अगर आपका स्ट्रेंजर 4 के है और अगर आपका यहाँ पे देख सकते हैं अभी मैं ये जो चेक लाइट है ये बार बार जलता था, ठीक ना, अभी आप देख सकते हैं। अगर आपका स्ट्रेंजर 4 के या फिर 3 के 2 के 1 के जो भी है और अगर आपका इस चेक का जो इंडिकेटर है ये आपका बार बार जलता होगा तो आप इसमें होता है क्या कि इसका जो वोल्टेज जो है इसमें हाई हो जाता है, ठीक ना। तो हमेशा जो इस पर ध्यान रखें कि अगर आपका वोल्टेज ज़्यादा होता है तो हमेशा जो स्टेबलाइजर का जो यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे चेक कर लेना है, यहाँ पे देखिए अगर अगर मान लीजिए ये जो वोल्टेज है यहाँ पे जैसे कि ये जो है ये अप होगा, ये तो अप हो गया लेकिन आपको ये डाउन ही रखना है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसको, ये अगर एक नंबर में इस तरह होगा यहाँ पे तो इसको दो नंबर में कर दीजिएगा। ये हमेशा डाउन रहना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे स्टेप डाउन लिखा गया है और यहाँ पे स्टेप अप है, तो इसको स्टेप डाउन रहेगा और ये दो नंबर पे इसको रखें और वोल्टेज को 220 से ज़्यादा ना रखें, ठीक ना। अगर आपका यहाँ पे इस तरह वोल्टेज मीटर में यहाँ पे शो होता होगा देख सकते हैं। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि अगर आपका ये स्टेप अप रहे तो अगर ज़्यादा वोल्टेज होगा तो इस तरह होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड 700 है और ये जैसे कि मेन जो प्रॉब्लम था इसी पे है, ठीक है। ये जब ऐसा होगा क्या कि ये जो चेक लाइट है यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो चेक लाइट है ये यहाँ पे हमेशा यही चेक मारता है, ठीक ना। तो हमेशा आपको देखना है कि अगर आपका चाहे ये सब ये 5 KV का अल्टरनेटर, ये स्टेबलाइजर है 5 KV का है और अगर आपका 3 KV 2 KV जितने के भी कभी है अगर मान लीजिए तो उनको आप हमेशा वोल्टेज जो है ना उनको देख लेना है। हमेशा इसी का प्रॉब्लम होता है। अगर आपका चाहे 2000 वाट का एम्पलीफायर है या फिर 3000 या फिर 4000 जो भी है, फिर ओझा का है, अलग अलग कंपनी का होगा, तो हमेशा वोल्टेज जो है यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ इनपुट 220 होना चाहिए, 220 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे ज़्यादा अगर होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं जो चेक लाइट यहाँ पे दिया हुआ है ये यहाँ पे देख सकते हैं ये चेक लाइट आता है और इसका जो आपका एम्पलीफायर है वो बंद हो जाता है, ठीक ना। तो हमेशा अगर आप कहीं भी मान लीजिए आप कहीं काम कर रहे होते हैं या फिर कोई प्रोग्राम है या फिर जो भी कुछ है और आप अगर बार बार आपको यहाँ पे जो चेक लाइट है ये सिंबल यहाँ पे आता है और आपका ये आवाज़ देना बंद कर देगा, ठीक ना। तो उस दौरान हमें क्या करना है, इसका जो वोल्टेज है स्टेबलाइजर से जो वोल्टेज होगा उसे आपको कम कर देना है और कम करके देखेंगे एक बार इसे बंद कर देना है, ठीक ना। अगर मान लीजिए यहाँ से अगर आप वोल्टेज कम भी कर देते हैं स्टेबलाइजर से यहाँ जिससे आपका अल्ट मारता है तो उसमें काम ये नहीं करेगा, तो उसमें क्या करना है इसको ये जो है ये स्विच जो है ये स्विच को ऑफ कर देना है और फिर से ऑन करना और अच्छा ऑफ लगभग 1 मिनट के अंदर हो सकता है या फिर 30 सेकंड से भी आप रख सकते हैं सुपन और फिर इसे चालू कर दीजिएगा तो ये काम करना शुरू कर देगा। और वोल्टेज को हमेशा मेंटेन रखिएगा, ज़्यादा वोल्टेज नहीं देना है नहीं तो ये टैंप मारता ही है, देख सकते हैं यहाँ पे चेक लाइट मारेगा ये चेक। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पापा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में घंटे का साथ दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।